बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमामी। तो आज की रेसिपी है राजमा पुलाव, जो बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासमती चावल लिए हैं, हाफ के जी से एक घंटे के लिए भिगो दिया था। राजमा है, इसे भी 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, इसे बॉईल कर लिया। भिगोने के बाद 3 अदद प्याज हैं स्लाइस में कटे हुए मीडियम, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कुछ लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, गरम मसाला 1 टी स्पून, हल्दी 1 टी स्पून, नमक हल्दी ज़रूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, टमाटर 3 अदद, ये गरम मसाला है, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, बादियान के फूल और जीरा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें मान लीजिए 1/2 कप ऑयल, इसमें प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हल्का ब्राउन कर लेंगे। प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं, में गरम मसाला साबुत ऐड करेंगे, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। 1 मिनट हो चुका है भूनते हुए, इसमें टमाटर ऐड करेंगे और साथ में मसाले भी ऐड कर देंगे। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। इसमें 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें राजमा ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ, को लाल लोबिया भी कहते हैं, राजमा भी कहते हैं। तो इसमें 1/2 kg चावल लिए, तो उसके हिसाब से 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी को बॉईल आने देंगे। पानी को बॉईल आ चुका है, इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, ऊपर से धनिया ऐड करेंगे। अभी इसे दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बने हैं चावल खिले खिले। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उस वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।